नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे YouTube चैनल के ऊपर 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं। कभी कभी मुझे कमेंट करते हैं और कभी कभी जो है मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं जोगिंदर जी आप अपने YouTube चैनल के ऊपर सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, क्या हमको भी कुछ ऐसा मंत्र बता सकते हैं जैसे YouTube पे हम भी काम करके सफल हो सके, कुछ पैसा कमा सके। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग YouTube पे काम करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर वो कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अर्निंग नहीं होती, उनका पेज मोनेटाइज नहीं हो पाता, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे YouTube पे काम आप भी कर सकते हैं, करने से क्या फ़ायदा होता है, कितना पैसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे YouTube चैनल को लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 3.5 साल से ऊपर मुझे काम करते YouTube के ऊपर हो गया। और YouTube पे काम करके ना हम सबको जो है पैसा मिलता है, हम लोग को नाम मिलता है, फेम मिलता है। अब बात आती है कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो क्यों बनाता रहता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको YouTube पे अगर वीडियो बनाना है तो आपको एक नीच डिफाइन करना पड़ेगा, एक कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगा कि लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, आपके पास क्या नॉलेज पड़ा हुआ है, क्या लोग बता सकते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर कितना वीडियो बना सकते हैं। जैसे YouTube चैनल को मैं जाएंगे आप ना, मेरे चैनल पर 800 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा। सोचिए, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप बारे में जो जानकारी है इसीलिए मैं 800 ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। बता दो आपको, मैं 17-18 साल से कंप्यूटर फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे कंप्यूटर फील्ड की जानकारी अच्छी खासी है और रोज़ मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग काम करता हूँ, तो मेरे पास नए नए चीज़ आते रहते हैं बनाने के लिए। जैसे लैपटॉप बनने आ जाता है, कंप्यूटर बनने के लिए आ जाता है, कभी फॉर्मेट करना, बहुत सारी चीज़ काम करना आता है। तो आप भी अगर YouTube पे काम करना है तो जोगिंदर साहनी मतलब मैं कंप्यूटर लैपटॉप वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख के बनाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका रोज़ कुछ बनने नहीं आएगा, आपका कुछ नया सामान नहीं आएगा। तो इसलिए आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आप मैथ पढ़ाते लोगों को, तो आप मैथ के बारे में लोगों को सिखाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा टॉपिक आपस होगा बोलने के लिए। अगर आप एक इंग्लिश के टीचर हैं तो आप इंग्लिश के बारे में लोगों को सिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं आपके माध्यम से। सोचिए, तो मैथ वाला मैथ सिखाए तब वो सफल हो सकता है, यूट्यूब के ऊपर अगर इंग्लिश बोले इंग्लिश सिखाएं तो वो सफल हो सकते हैं, कोई क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, कोई स्विमिंग करना सिखाते हैं, ऐसे हैं कोई मीडिया काम करते हैं, मतलब जो कैटेगरी में आप जानकार हैं, जिस कैटेगरी में आपको जानकारी है अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो यही सफलता का राज है। और इसीलिए मैं भी देखते होंगे मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। मैं जानता हूँ जो मेरे YouTube चैनल को जो भी सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे कंप्यूटर के रिलेटेड ज्ञान को देकर उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन उनको जानकारी चाहिए होगा। इसीलिए आप भी कोई काम करते हैं तो आप जो है एक कैटेगरी डिसाइड करिए, एक नीच डिफाइड करिए और नीच और उस कैटेगरी के अंदर काम करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये हो गया। दूसरा जो है, देखिए YouTube पे मेरा सिद्धांत काम करने के लिए कि वीडियो बनाए कम से कम 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो। अगर 8 मिनट वीडियो ज़्यादा अगर होगा तो आपको फ्यूचर में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपके चैनल के ऊपर लगभग 3-4 ऐड आएंगे, एक ऐड शुरू में आएगा, एक ऐड बीच में आएगा, एक ऐड लास्ट में आएगा। तो हमेशा अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो जानकारी दे रहे लोगों को कम से कम 8 मिनट का वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, तभी आपको जो है फ्यूचर में अगर मान ली वीडियो वायरल होगा ना तो आपका होगा। क्योंकि देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 3.5 साल पहले, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, वो वीडियो आज भी रन कर रहा है, लगभग 13 मिनट का वीडियो था वो, और जब मैंने वीडियो बनाया था और आज मुझको 9,000-10,000 व्यू उस वीडियो में आता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मैं सोच के वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा जो है सोचता हूँ कि 8 मिनट से वीडियो ज़्यादा हो और लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ ज्ञान की बातें दूंगा तो संभव नहीं हो पाएगा। तो आप सब जानते हैं YouTube पे काम करने के 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 4 घंटे वॉच टाइम चाहिए होते हैं 365 दिन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा और आपको वीडियो के अंदर बताना चाहता था कि मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सब लोग का बड़ा मेहरबानी है, बड़ा आप लोग सपोर्ट मिलता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं और मैं प्रयास कर दूंगा कि हमेशा कि 1-2 दिन के अंदर लाइव आऊँ और आप लोगों से बातें करता रहूँ। और रात को 8 बजे तो हमारे आपके सवाल बहुत सारे होते हैं और मैं सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो पाता है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप पूछते हैं कि मैं रैम को निकाल बाबा लगा रहा हूँ, तो मैं बताइए कितना कमेंट बॉक्स में लिखूंगा कि फ़ोन से करा सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए है कि मैं लाइव आकर के आपके क्वेश्चन लिया करूँगा और आपके सवालों का जवाब दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो YouTube पे आना चाहते हैं तो एक कैटेगरी डिसाइड करिए और एक नीच पे काम करिए, तभी आप YouTube पे सफल हो सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन पक्का आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों भगवान का देर है, अंधेर नहीं है। चलिए, इस वीडियो से कुछ सीखे हों तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, वो जानना चाहते हैं कैसे YouTube पे काम किया है, हो सके इस वीडियो के माध्यम थोड़ा उनको हेल्प मिल जाए। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।